जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक बताने जा रहे हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी का यह टॉपिक है, यानी भौतिक भूगोल का। यह टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर द अर्थ, यानी पृथ्वी की जो अंदर की, जो नीचे देखते हैं उसकी संरचना कैसी है, तो इसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे देखते हैं कि जो चीज़ को हम लोग देख लेते हैं उसका आकलन करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन पृथ्वी की जो नीचे जो देखते हैं गर्भ में जाकर ना, जो असंभव है, और उसका स्ट्रक्चर और संरचना के बारे में आपको अध्ययन करना है, यानी जो बताई जा रही है, तो कुछ स्रोत के माध्यम से यह बताया जाएगा। जैसे देखते हैं कि प्रथम, जैसे कि किसी चीज को देखते हैं तो यह पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृतियाँ जो है वह आंतरिक संरचना जो देखते हैं, यानी पृथ्वी के जो अपर सरफेस है और अंदर का जो स्ट्रक्चर है, दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो होता है जियोलॉजिस्ट करते हैं, यानी भूगर्भ शास्त्री करते हैं, लेकिन जैसे देखते हैं कि पृथ्वी का अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है वह अपना प्रभाव जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पे भी छोड़ती है, जिसके कारण भूगोल बेता भी इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी जो आंतरिक संरचना पृथ्वी की है उसका वह अध्ययन करते हैं। क्योंकि पृथ्वी का जो अपर सरफेस देखते हैं उसका बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है नीचे जो चट्टान होती है उससे, तो यह देखे, इसके कारण भूगोल वेताओं को भी अध्ययन करना पड़ता है। अब देखिए कि और चूंकि मान और जो ऊपर वाली सरफेस जो देखते हैं वह मानव का दृश्य भूमि तो है, यानी मानव अपर सरफेस को तो देख लेती है और उसके आधार पे वह आकलन कर लेती है कि इसकी संरचना कैसी है, लेकिन पृथ्वी के नीचे जो जाते हैं, यानी जब देखिएगा पृथ्वी का जो रेडियस है वह जो है कि 6371 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा डेप्थ में। हम लोग जिस सरफेस पे हैं वहां से 6371 किलोमीटर जब नीचे जाएंगे तब सबसे निचली भाग मिलेगी अर्थ की, जहां तक जाना असंभव है अथवा किसी भी स्रोत के द्वारा, जो मानव के द्वारा जो साइंटिफिक जो आप जितनी हुई है उसको वहां तक पहुंचा पाना भी असंभव है। तो उसको अलग अलग स्रोतों के द्वारा जो है उसकी अध्ययन की जाती है और आकलन की जाती है, जिसमें दो महत्वपूर्ण स्रोत होती है, एक प्रत्यक्ष स्रोत होता है दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत होता है। और वैज्ञानिक जो है, जो विद्वान के द्वारा जो होता है, जो स्कॉलर होते हैं, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्रोतों का अध्ययन करते हैं। उसके आधार पे यह बताई गई है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो देखिए, अब देखिए कि यह संबंध जो है कि किस प्रकार से, तो यहां देख रहे हैं कुछ स्रोत दी गई हैं, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी जो स्रोत है तो उस स्रोत को दिया गया है। वह कौन कौन सी स्रोत है, तो तीन स्रोत है अभी विद्वानों के नजर में जो देखते हैं। एक होता है अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा है पृथ्वी की ओरिजिन से संबंधित जो सिद्धांत अभी तक प्रस्तुत की गई है, यानी पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत जो प्रस्तुत है उसके माध्यम से, और तीसरा जो देखते हैं प्राकृतिक स्रोत है। तो देखिए अप्राकृतिक स्रोत है उसमें क्या आता है कि पहला होता है घनत्व आधारित स्रोत, यानी कि उसकी घनत्व जो डेंसिटी होती है उसके आधार पे उसकी संरचना का आकलन करना। दूसरा होता है दबाव आधारित स्रोत, यानी दबाव से जो किसी संरचना में जो
परिवर्तन होती है, यानी प्रेशर के कारण जो उसकी स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग होती है, तो यह स्रोत के माध्यम से। और तीसरा जो है उसमें तापीय आधारित स्रोत, यानी ताप के आधार पे चट्टान की जो भौतिक संरचना होती है उसमें जो परिवर्तन होती है वह है। अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, तो पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसमें देखते देखते हैं निहारिका परिकल्पना है, वायव्य राशि परिकल्पना है। तो इस प्रकार से जो सिद्धांत हैं, तो जब उस सिद्धांत की आकलन की जाती है तो वहां पे दो, एक ग्रुप जो होता है वह पृथ्वी को तरला अवस्था में बताती है कि ओरिजिन हुई है, दूसरा कहता है कि यह सॉलिड फॉर्म में थी, तो उस स्रोत के आधार पे जो आकलन होती है। और तीसरा जो है प्राकृतिक स्रोत है, तो प्राकृतिक स्रोत में देखिए क्या क्या है उसमें, जैसे ज्वालामुखी की उद्गार से जो लावा निकलती है, यानी सरफेस के नीचे से जो मैग्मा आके सरफेस के ऊपर आती है जिसको लावा कहते हैं, तो उस ज्वालामुखी से आधारित जो स्रोत होती है उसके माध्यम से। तीसरा जो है उल्का पिंड, यानी अंतरिक्ष में जो देखते हैं कि अनगिनत उल्का पिंड है, और वह उल्का पिंड जब अर्थ सरफेस पे गिरती है और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की आकलन की जाती है। और तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वह भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो है पृथ्वी की आंतरिक स्रोत की आकलन की जाती है। तो आपने देखा है कि यह महत्वपूर्ण जो स्रोत है इसी स्रोत के आधार पे अर्थ का जो आंतरिक स्ट्रक्चर यानी अंदर जो संरचना है उसकी आकलन की जाएगी, क्योंकि अभी तक मानव के द्वारा जितने भी साइंटिफिक खोज हुई है वह कोई भी वैसा स्रोत नहीं है जो 6371 किलोमीटर की गहराई में उसको पहुंचा के और वहां की संरचना कैसी है उसकी आकलन की जाए, तो नहीं है। तो यह जो स्रोत है इसी स्रोत के माध्यम से होगी, क्योंकि वहां मानव जा भी नहीं सकता है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट भेज सकता है, क्योंकि मानव के द्वारा अभी जो ड्रिलिंग करके जो देखते हैं तेलकूप है, गहरी कुआं है, तो इस सब के द्वारा जो अंदर की जो संरचना का जो अध्ययन हुई है वह मात्र वह 10 से 11 किलोमीटर गहराई तक ही है, जबकि पृथ्वी की जो रेडियस है वह आपको 6371 किलोमीटर है। तो चलिए आगे आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि 6371 किलोमीटर जो इसकी रेडियस है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे आप जैसे प्रोजेक्शन बनाइएगा उस समय आपकी इसकी रेडियस की जरूरत पड़ जाएगी, कोई भी प्रोजेक्शन बनाइएगा, तो इसलिए उसको याद रखिएगा। अब देखिए कि जो पहला है अप्राकृतिक स्रोत में, तो अप्राकृतिक स्रोत जो देख रहे हैं तो यानी आर्टिफिशियल सोर्स जो है, तो आर्टिफिशियल सोर्स का प्रथम जो है घनत्व यानी डेंसिटी। तो घनत्व के आधार पे अभी तक जो साइंटिफिक कंक्लूजन जो आकलन की गई है उसमें यह पूरे पृथ्वी की जो औसत घनत्व जो निकल के आई है वह 5.5 है, 5.51 है, जबकि जिस सरफेस के ऊपर हम लोग निवास करते हैं यानी मानव की जितने भी एक्टिविटी जिस सरफेस पे होती है, चाहे वह संसाधन का दोहन ही मानव जिस जहां से करता है तो उसको भूपर पट्टी कहते हैं, और यह जिसको क्रस्ट कहा गया है, और क्रस्ट की जो डेंसिटी जो है वह देखिए कि आपको 3.0 ही है औसत जो देखते हैं, जबकि हम लोग जिस पे निवास करते हैं अपर वाली वह 2.67 है। तो इसके आधार पे देखें और औसत डेंसिटी जो है 5.5 है, तो इसके आधार पे यह पता चलती है
कि अपर वाले तो हमने देखा कि यह जो औसत तीन है और जो पूरे अर्थ का जो डेंसिटी है वह 5.5 है, तो इससे यह पता चलता है कि निचली वाली जो हिस्सा होगा उसका डेंसिटी 5.5 से अधिक होगी और वह भारी तत्वों से बना हुआ स्ट्रक्चर होगा। तो खास करके जो साधारण सिंपल आकलन जो है वह निचली सतह की जो डेंसिटी बताई गई है वह 11 बताया गया है। जानते हैं कि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है अर्थ की, उसको 3 लेयर में जो रासायनिक जो विभाजन जो किया गया है वह 3 वर्ग में किया गया है। अपर लेयर जो होता है उसको क्रस्ट यानी सियाल, उससे नीचे वाली जो सतह है उसको मेंटल यानी कि सीमा, निचली सतह जो होती है सबसे नीचे वाली जो है उसको नीफे यानी कोर में विभाजित किया गया है। और तीनों की जो है कि वह जो देख रहे हैं कि तीनों में डेंसिटी जो डिफर है अलग अलग है, यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं वैसे वैसे उसकी डेंसिटी में यानी घनत्व में वृद्धि होती जाती है। तो यह प्रमाण जो मिली है, चलिए अब देखिए कि इससे तो यह पता चल गई कि अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी में परिवर्तन होते जाएगी, यानी सियाल की डेंसिटी अलग होगी, सीमा की डेंसिटी अलग होगी, कोर की डेंसिटी अलग है जो आपको बताया गया, टोटल डेंसिटी यानी पूरे अर्थ का जो निकाला गया वह 5.5 है। अब देखिए एक तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हो गई डेंसिटी के आधार पे, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वह भारी तत्वों से निर्मित होती है, यानी पृथ्वी का जो सियाल जो देखते हैं वह हल्का तत्वों से निर्मित सरफेस है, संरचना है, उससे नीचे वाली जो सीमा देखते हैं उसके अपेक्षा भारी तत्वों से निर्मित संरचना है, और नीफे जो है कि सबसे भारी तत्वों से निर्मित संरचना है। अब वह किससे निर्मित है वो आगे हम आपको बताएंगे। दूसरा देखिए कि दबाव है, देखिए दबाव यानी प्रेशर जो है, यानी जैसे जैसे ऊपर हम सरफेस पे हैं तो यह चट्टान की दबाव पड़ेगी निचली चट्टान पे, और निचली चट्टान पे जब दबाव बढ़ेगी तो उसकी संरचना में परिवर्तन होगी, यानी उसकी डेंसिटी में परिवर्तन होगी, डेंसिटी में परिवर्तन होगी। तो यह देख रहे हैं तो जैसे जैसे कहते हैं कि दबाव चट्टान के और नीचे वाली जो चट्टाने होगी वह भारी चट्टान होगी, जबकि ऊपर वाली चट्टान जो देखते हैं वह हल्की चट्टान होती है। जैसे आपने देखा है कि हिमालय को भी कहा गया है कि वह जो हल्की चट्टान से निर्मित स्थलाकृति है, जबकि निचले सतह पे जो सागर वाली जो सरफेस देखते हैं वह कहते हैं कि भारी तत्वों से निर्मित स्थलाकृति है। तो यह देख रहे हैं कि जैसे जैसे यह नीचे की तरफ जाती है वैसे वैसे उसकी चट्टानों की दबाव के कारण उसकी घनत्व में परिवर्तन होते जाती है, और यही कारण है कि सियाल के अपेक्षा सीमा की घनत्व अधिक होती है, और जब सीमा की घनत्व अधिक होगी तो सियाल जो है सीमा के ऊपर तैरती है, क्योंकि अधिक घनत्व होने के कारण उसकी ताप में यानी जैसे जैसे दबाव बढ़ेगी तो दबाव के साथ दबाव का संबंध जो होता है तापमान से बहुत क्लोज होता है। दबाव बढ़ने के कारण उस चट्टान का जो है कि में तापमान में वृद्धि होगी, और तापमान जब अधिक होगी तो वह जो सॉलिड फॉर्म में जो चट्टान है यानी कठोर संरचना वाली जो चट्टाने हैं वह अब जो है कि लिक्विड में यानी द्रव्य अवस्था में हो जाएगी, ताप के कारण गल जाएगी, जैसी गलनांक पॉइंट पे जाएगी तो वह द्रव्य के रूप में परिणत हो जाएगी। लेकिन उसकी डेंसिटी अधिक होने के कारण क्या है कि सियाल जो है सीमा के ऊपर तैर रही है। जैसे आप नाव को देखते हैं नैया को,
तो पानी के ऊपर वह तैरते रहती है ना, कारण क्या है कि नाव जो बनाया जाता है वह पानी के डेंसिटी के अपेक्षा कम डेंसिटी वाली मटेरियल से बनाई जाती है, जिसके कारण वह जो है पानी के ऊपर तैरते रहती है। ठीक वैसा ही स्थिति यहां भी है, क्योंकि सियाल जो है सीमा के ऊपर तैर रही है, और सियाल जो सीमा जो है कि वह द्रव्य के स्थिति में है। तो आपने यह देखा, और यह भी पता चल गई कि वह जो दाब बढ़ने के कारण जो है, यानी जैसी बढ़ेगी तो क्या होगा कि उसकी ताप में वृद्धि होगी, और ताप में वृद्धि होगी तो उसकी घनत्व, उस जो धातु में जो है कि उसकी भौतिक संरचना में परिवर्तन हो जाएगी, यानी उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन हो जाती है, और चट्टान की जो डेंसिटी परिवर्तित हो जाएगी। अब देखिए ताप का, तो अभी तक जो साइंटिफिक निष्कर्ष जो आई है उसमें क्या है कि जैसे जैसे सरफेस से हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे दबाव के कारण तापमान में वृद्धि होती है। अगर हम 32 मीटर नीचे चले जाते हैं तो सरफेस के ऊपर की जो तापमान है उसके अपेक्षा 32 मीटर नीचे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है, यह बताई गई है। और यह क्रिया कह जाता है कि देखिए कि जैसे, लेकिन एक दबाव की भी एक सीमा होती है कि किसी भी चीज पे, तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, तो यह कहा गया है निष्कर्ष में, यह भी बताई गई है कि अगर 100 किलोमीटर गहराई पे अगर हम जाते हैं तो प्रति किलोमीटर की दर से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। अगर हम 1 किलोमीटर नीचे चले जाए तो सरफेस के ऊपर का जो तापमान है उसके अपेक्षा नीचे जो 100 किलोमीटर नीचे जो होगी वह 12 डिग्री सेल्सियस अधिक होगी। अगले 200 किलोमीटर में जाएंगे फिर वही, तो यह पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर नीचे जाता है तो 12 डिग्री, यानी 100 किलोमीटर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगी, हो जाएगी नीचे की। तो यह देखिए, लेकिन सरफेस के ऊपर वाली सतह जो देखते हैं जहां तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो तापमान में वृद्धि का दर जो है कि उसमें कमी होती है। यही कारण है कि अपर वाली जो लेयर देखते हैं वहां जो है प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है, क्योंकि वहां देखिए आपको क्या है कि रेडियो मिनरल एक्टिव तत्व भी जो होता है सियाल में अधिक है, सीमा में कम है, पाई जाती है। लेकिन सियाल का तापमान जो होता है डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण सियाल जो है ताप का संचय नहीं कर पाता है, इसके कारण ही सियाल जो है सॉलिड फॉर्म में है। जबकि सीमा वाली जो देखते हैं कि वहां रेडियो मिनरल एक्टिव कम होने के बाद भी ताप का डिक्रीज नहीं होने के कारण वह ताप की संचय होती है, जिसके कारण निचले वाली जो चट्टाने सीमा में जो है वह आपको तरला अवस्था में मिलेगी, क्योंकि तापमान अधिक हो जाती है। तो यह आपने देखा। चलिए अगले देखिए, अगर इसी प्रकार अगर 300 किलोमीटर की गहराई से जब नीचे के तरफ जाते हैं तो वहां प्रति किलोमीटर की दर से, अगर 301 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहां अब 2 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ेगी, यहां 1236 डिग्री सेल्सियस, भले 1236 3600 डिग्री सेल्सियस, 300 किलोमीटर की अगर गहराई पे डेप्थ पे जब हम जाते हैं तो वहां पे इसके आधार पे क्या है 3600 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए, और उसके नीचे जब जाएंगे तो फिर प्रति किलोमीटर जो है 2 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। लेकिन उसके पश्चात भी और भी अधिक गहराई पे जाने पे क्या होता है, प्रति किलोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान से जो वृद्धि होती है,
और यह भी एक सीमा है, उसके नीचे जब गहराई में जाइएगा तो तापमान में वृद्धि एकदम नग्न हो जाती है, जिसकी आकलन कर पाना मुश्किल होती है। और इसको प्रमाणित जो है कि आप देखते हैं कि कन्वेक्शन करेंट जो है, यानी संवहनीय धारा, कन्वेक्शन करेंट होम्स का जो है, हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है, इस तापमान में जो अंतर होती है यह सिद्धांत को प्रमाणित करती है। चलिए अब देखिए कि प्राकृतिक स्रोत में क्या है। चलिए प्राकृतिक स्रोत में देखिए, प्राकृतिक स्रोत में जो देखते हैं नेचुरल सोर्स जो है, नेचुरल सोर्स में एक महत्वपूर्ण जो है वह ज्वालामुखी है, क्योंकि जिस गहराई से जो मैग्मा सरफेस के ऊपर आती है उस गहराई तक मानव जा नहीं पाएगा अथवा कोई भी, लेकिन जिस गहराई से वह आती है यानी सीमा से, सीमा वाली जो गहराई से जो चट जो नीचे जब वह लिक्विड फॉर्म में होती है तो उसको मैग्मा कहा जाता है। यानी जब कोई भी चट्टान जब तरला अवस्था में आ जाती है तो उस तरला अवस्था वाली चट्टान जब सरफेस के नीचे होती है तो उसको मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जैसे वह मैग्मा धरातल के सर ऊपर आती है यानी सरफेस पे आती है तो उसको लावा कहा जाता है, और वह तेजी से ठंडा होने लगती है यानी तो उसकी ताप में ह्रास होने लगती है। तो यहां जो आती है जो लावा, अब सरफेस के ऊपर आई तो उसको लावा कहा जाएगा, तो उसके अध्ययन से यह पता चलता है कि सीमा वाली जो सतह है जहां मैग्मा चैम्बर, जहां तापमान अधिक होने के कारण क्या है कि पूरी चट्टान जो होती है वह तरल ला रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तरल अवस्था में आ जाती है, जिसको मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। तो वह मैग्मा चैम्बर की संरचना कैसी है, वहां किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है, चट्टान किस फॉर्म में यानी उसकी भौतिक स्वरूप कैसी है, वह आपको इस ज्वालामुखी क्रिया से निकली हुई लावा के द्वारा पता चलता है। और ज्वालामुखी की उद्गार जो होती है यानी उसको लावा की जो प्राप्ति होती है वह मैग्मा चैम्बर से ही होता है। तो आपने देखा कि यह ज्वालामुखी के माध्यम से जो स्रोत है, अब इसी के अपेक्षा भूकंपीय तरंग जो है, भूकंपीय तरंग यानी कि भूकंप विज्ञान जो है अपने साक्ष्य के आधार पर यह बताया कि भूकंपीय लहर जो होता है सिस्मोग्राफी पे जब आकलन की जाती है तो उसमें अलग अलग जो तरंगे होती है PSL, सभी तरंग जो होती है कि जो उसको गुजरने का और उसकी जो स्पीड होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति हो जाती है, जिसके आधार पे सिस्मोग्राफी पे जब आकलन होती है तो उसके आधार पे यह बताई जाती है कि नीफे की डेंसिटी, क्योंकि वह सॉलिड फॉर्म में यानी उसकी डेंसिटी अधिक है, जो चिपचिपा यानी सेमी लिक्विड के रूप में है, अर्ध तरला अवस्था में है, वह भी अलग फॉर्म में जो आगे हम बताएंगे दो अलग देते हैं। तो वहां जब भी देखिएगा कि जिसका घनत्व अधिक होती है वहां भूकंप की तरंग की स्पीड बढ़ जाती है, जिसका घनत्व कम होगा उसका डेंसिटी घट जाती है। इसको आप देख सकते हैं जैसे क्रिकेट के मैदान में अगर जाते हैं, अगर लकड़ी की जो बनी हुई बल्ला है उससे गेंद को मारिए और उस गेंद के स्पीड को देखिए, अब दूसरा बल्ला किसी जो है धातु का बना हुआ है और उससे आप मारिए
तो पता चलेगा कि दोनों की स्पीड में अंतर हो जाएगी। लकड़ी के बल्ला के अपेक्षा धातु निर्मित जो बल्ला होगा और जब उससे गेंद टच होगी तो उसके अपेक्षा उसकी गति बढ़ जाती है। तो वही स्थिति भूकंपीय तरंग का भी है, वेव का भी है, कि सॉलिड फॉर्म में जो होती है, जिसकी डेंसिटी अधिक होती है, वहां उसकी गति बढ़ जाती है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वहां गति में ह्रास होती है। तरला अवस्था में कोई ऐसी तरंग जो देखते हैं कि उसमें गति का जो है अंतर, तो यही अंतर के आधार पे जो है कि वह जो है कि सिस्मोलॉजिस्ट जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन करती है। चलिए इसको आगे और फिर बताएंगे। अब दूसरा देखिए, उल्का पिंड है। तो उल्का पिंड जो देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में जो है कि बहुत सारी उल्का पिंड है और यह ठोस संरचना से निर्मित और स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में भ्रमण करती रहती है। कभी कभी यह उल्का पिंड पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स वाली क्षेत्र में आ जाती है, तो जिसके कारण घर्षण के से उस उल्का पिंड के अपर सरफेस जो होता है उसका विनाश हो जाता है, जबकि अंदर वाली जो स्ट्रक्चर होती है वह सुरक्षित रहती है, उसमें माइनर परिवर्तन होती है। और जब वह उल्का पिंड का जब देखते हैं कि अर्थ पे गिरती है, जब टकराने के बाद जब अर्थ पे देखते हैं घर्षण तक जब आग लग जाती है, उसके बाद जो रेस्ट बची हुई होती है उसका अंदर वाली जो स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर के आधार पे जब अध्ययन किया गया उल्का पिंड के माध्यम से, तो यही पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की डेंसिटी जो होगी ऊपर वाली संरचना के अपेक्षा अधिक होगी और वह सॉलिड फॉर्म में होगा। तो यह देखें, तो इस आधार पर आंतरिक संरचना का, अब देखिए पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, वह सिद्धांत के आधार पे भी जो आकलन की गई है। तो एक ग्रहाणु परिकल्पना जो देखते हैं, ग्रहाणु परिकल्पना जो है यानी जो हाइपोथेसिस जो देखते हैं, तो यह परिकल्पना जो है पृथ्वी को ठोस मानता है, यानी पृथ्वी के अंतरतम जो है यानी जो कोर, तो ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार वह सॉलिड रूप में होगी। जबकि टाइडल हाइपोथेसिस यानी ज्वारीय परिकल्पना और बाह्य व्यय राशि परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होगी वह तरलावस्था में होगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहां सिद्धांत के आधार पर भी जो आकलन की गई वह भी एक दो अलग अलग विचारों में तब्दील हो गई। आज भी यह जो है कि शोध की क्रिया जारी है, रिसर्च हो रही है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगी है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होती है धार्मिक ग्रंथ में लगा दी जाती है, विज्ञान जो होता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कभी नहीं लगता है, क्योंकि हमेशा उसमें जो है मॉडिफाई यानी संशोधित होती रहती है और नई नई आविष्कारें उससे जुड़ती रहती है। जबकि धर्म में जो देखते हैं जो चीज कह दी गई है वही घिसा पीटा जो है आज से जो हजारों वर्ष पहले जो कही गई है, जिस समय हजारों वर्ष पहले जो देखते हैं कि वह कौन, तो वह कबीलाई संस्कृति हुआ करता था जो अनसिविलाइज संस्कृति थी, और वह अनसिविलाइज संस्कृति के द्वारा जो चीज कह दी गई थी आज भी कुछ जैसे धर्म को मानने वाले जो देखते हैं, चाहे वहां पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह न लगने के कारण क्या है कि वही जो कबीलाई संस्कृति को भी आज हम मानते आ रहे हैं
उसने बता दिया कि केंद्र में पृथ्वी है, केंद्र में पृथ्वी को ही मानते आ रहे हैं, जबकि विज्ञान जो है वह बताता है कि आकाश गंगा जो देखते हैं इसकी केंद्र में जो है सूर्य है, जबकि धर्म ग्रंथ में पृथ्वी को केंद्र माना गया है। धर्म यह कहता है कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य इसकी परिक्रमा करती है, जबकि विद्वानों के द्वारा जो आज साइंटिफिक जो प्रूव किया गया है उसमें क्या है कि पृथ्वी के सापेक्ष में सूर्य स्थिर है, पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है। तो यह है, तो आप लोग जो है कि साइंटिफिक तरीका से जो बताई गई है आप उसका अध्ययन कीजिए, धार्मिक भ्रम में रह के आप अपने आप को धार्मिक भ्रम से जो है बाहर निकालिए। चलिए इसके अपेक्षा देखिए अब जो है पृथ्वी का रासायनिक संगठन के एवं विभिन्न परतों के, यानी जो केमिकल जो है केमिकल रासायनिक संरचना जो संगठन है यानी केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं उसके आधार पे जो परत बताई गई है, जिसमें देखते हैं केमिकल के आधार पे पहले ही बता चुके हैं रासायनिक संरचना के सियाल सीमा नीफे, तो उसके आधार पे जो आकलन हो रही है अब उसको देखिए। तो एक साइंटिफिक जो था कि एक सेमिनार जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडिसी एंड जियोफिजिक्स जिसको शॉर्ट में कहते हैं IUGG के शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन बृहत मंडलों में यानी तीन बृहत परत में लेयर में विभाजित किया गया है। वह तीन लेयर जो है सियाल सीमा नीफे, और सभी की जो डेंसिटी और उसकी जो है संरचना जो देखते हैं और उसकी जो है कि सभी चीज में अंतर डिफर बताई गई है। तो अब चलते हैं हम उसके तरफ। चलिए देखिए प्रथम जो सियाल जिसको कहते हैं उसको भूपर पट्टी भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। तो IUGG ने इसकी औसत मोटाई को 30 किलोमीटर मानी है, यानी भूपर पट्टी को IUGG जो देख रहे हैं शोध के माध्यम से जो हुई है वह 30 किलोमीटर मानी है, यानी कि क्रस्ट जो देखते हैं भूपर पट्टी सियाल को दो परत में बांटी गई है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। तो अपर जो देखते हैं वह 30 किलोमीटर और उसके निचले वाले जो देखते हैं वह 100 किलोमीटर बताई गई है, और दोनों में जो होता है कि भूकंपीय तरंग यानी पी वेव जो देखते हैं प्राथमिक वेव उसकी गति में अंतर आ जाती है। जैसे IUGG के अनुसार जो है यानी जो अपर वाली जो क्रस्ट जो देख रहे हैं अपर क्रस्ट में वहां पी वेव की गति जो होती है लहर 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 6.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि निचली क्रस्ट जो होती है यानी लोअर क्रस्ट उसमें जो होता है पी वेव की गति बढ़कर 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो इससे यही पता चलता है कि अपर क्रस्ट की डेंसिटी लोअर क्रस्ट के डेंसिटी से कहीं कम है, और उस शोध के माध्यम से यह बताई गई है कि अपर क्रस्ट की औसत डेंसिटी जो है 2 जबकि लोअर क्रस्ट की जो है डेंसिटी यानी निचली क्रस्ट की डेंसिटी यानी निचली भूपर पट्टी की जो सियाल की डेंसिटी जो है 3.0 है, और यह डेंसिटी में अंतर का कारण वह बताते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे के तरफ बढ़ते हैं तो दबाव के कारण
चट्टान की संरचना जो भौतिक स्वरूप देखते हैं उसमें परिवर्तन हो जाती है। यही कारण है कि अपर क्रस्ट के अपेक्षा लोअर क्रस्ट की डेंसिटी जो होती है अधिक होती है। तो यह देखें, जहां देखते हैं जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को इस शोध के माध्यम से IUGG के शोध के माध्यम से यह पता चली, जो 30 किलोमीटर जो देख रहे हैं यानी जिस सरफेस पे हम लोग हैं, इस सरफेस से 30 किलोमीटर की अगर नीचे जाते हैं तो वहां जो है तो वहां एक असंबद्धता यानी संक्रमण क्षेत्र पाई जाती है, यानी ट्रांजिशनल जोन, जो अपर क्रस्ट को और लोअर क्रस्ट को अलग करती है। तो अपर क्रस्ट को और लोअर क्रस्ट को जो अलग करती है 30 किलोमीटर पे, तो उस असंबद्धता को कहा जाता है कोनराड असंबद्धता, यानी कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक। और यह जो देखते हैं जो सियाल जो है, यह जो बनी हुई है सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है, यानी क्रस्ट या क्रस्ट जो देखते हैं, इस क्रस्ट की जो उत्पत्ति हुई है वह हल्का तत्वों से हुआ है, वह कौन सा है, तो सिलिका और एल्युमिनियम की इसमें प्रधानता पाई जाती है, और सिलिका और एल्युमिनियम के कारण ही इसका नामकरण सियाल किया गया है, यानी सिलिका का SI और एल्युमिनियम का AL जो लेके सियाल। तो अब आपने देखा कि इसकी नामकरण कैसे हुई, तो सियाल। दूसरा आई है मेंटल। तो यह क्रस्ट के नीचे जो वाली जो पार्ट देखते हैं वह मेंटल कहलाती है, यानी सीमा कहलाती है, और क्रस्ट के अपेक्षा सीमा की डेंसिटी अधिक होती है। इसको भी भूकंपीय तरंग के आधार पर प्रमाणित किया गया है, यानी पी वेव जो देखते हैं। अब यह जो देख रहे हैं कि यहां पे जो होता है कि जैसी मेंटल में उसकी गति में एकाएक वृद्धि होती है, जो देखे कि निचली क्रस्ट में जो गति थी 6.9, वह अब मेंटल अपर मेंटल जो देखते हैं, मेंटल को भी दो पार्ट में बांटी है, अपर और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल में जो देखते हैं जहां उसकी गति एकाएक बढ़कर 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक हो जाती है। तो इससे यह पता चलता है कि सियाल के अपेक्षा सीमा की डेंसिटी अधिक है, और सियाल और सीमा को जो अलग करती है, जो देखिएगा 200 किलोमीटर की गहराई पे, यानी जिस सरफेस पे हम हैं, इस सरफेस से 200 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं, तो वहां भी एक जो है संक्रमण क्षेत्र पाई जाती है, संक्रमण ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन का मतलब यह होता है संक्रमण की, जिसमें दोनों का नेचर पाया जाता है, यानी कुछ अंश सियाल का भी है, कुछ अंश सीमा का भी है, और यही दोनों जो है क्या करता है कि वहां से सियाल को और सीमा को अलग करती है। तो इसको जो है कि 1909 ईस्वी में एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था 1909 में जो मोहोरबिक थे, उन्होंने इस असंबद्धता का ज्ञात किए थे, जिसके कारण उनके नाम पे ही 200 किलोमीटर की गहराई पे जो क्या करती है, सियाल को सीमा से अलग करने वाली जो असंबद्धता होती है डिसकंटिन्यूटी, उसको कहा जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी, यानी मोहो असंबद्धता। ठीक।
और वहां से मोहो असमर्थता यानी 200 किलोमीटर जो देख रहे हैं, वहां से सीधा नीचे के तरफ जब चलते हैं तो सरफेस से 2900 किलोमीटर की नीचे अगर हम जाते हैं तो वहां तक इसकी मोटाई है यानी थिकनेस है, यानी जो मेंटल का जो थिकनेस देख रहे हैं 200 से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक की जो थिकनेस है वह मेंटल का है यानी सीमा का है। तो देखे यानी टोटल उसकी थिकनेस आप कह सकते हैं मेंटल का जो थिकनेस है वह आपको 2900 में से 200 माइनस कर दीजिए तो यानी 2700 किलोमीटर मोटी परत है मेंटल का। और पूरे पृथ्वी का जो आयतन है वह 83% है, यानी आयतन का मतलब यह समझिए कि पूरे पृथ्वी का वेट अगर 100 किलोमीटर है 100 किलो है तो अकेले मेंटल का वेट जो है कि वह 83 किलो होगा। तो समझ सकते हैं कि मेंटल जो देख रहे हैं और इसकी द्रव्यमान जो है मास वह देखते हैं 68। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे पृथ्वी की अगर ऊंचाई 100 मीटर है तो उसमें से मेंटल की ऊंचाई जो होगी यानी द्रव्यमान जो देख रहे हैं जो पूरे उसके जो वॉल्यूम जो होती है यानी द्रव्यमान यानी मास तो यह जो होगा कि 68 होगा। अब देखिए सिलिका तो देखिए मेंटल का निर्माण जो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है यानी मेंटल की जो हुई है वह किससे तो आपको सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इसी कारण सिलिका का जो है SI और मैग्नीशियम का MA जब लेते हैं तो यह सीमा हो जाती है और यह सीमा जो आपने देखा कि यह सीमा और इस सीमा में भी जो कुछ असमर्थता जो है कि उसको देख लीजिए यानी कि जो मेंटल को IUGG जो है भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर तीन भाग में बांटा है। प्रथम जो है कि देखते हैं कि जैसी 200 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं, दूसरा जो लेयर है वह 200 से 700 किलोमीटर की, तीसरा जो लेयर है वह 700 से 2900 किलोमीटर की लेयर पे, और यहां जो असमानता बनती है वह हम आपको आगे बताएंगे। चलिए आगे चलिए तो यह देख रहे हैं जो अपर मेंटल का देख रहे हैं कि 7.8 जो प्रति सेकेंड है तो यहां देख ही रहे हैं। अब इसको मेजर देखें इसमें से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होती है वहां उठती है और इसी को जो देखते हैं अपर वाली जो मेंटल होता है जो लोअर वाली मेंटल के अपेक्षा उसकी डेंसिटी कम होती है, इसी के कारण वहां कहा जाता है निम्न गति का मंडल। यानी जो देख रहे हैं कि वहां जो उसकी डेंसिटी कम है नीचे वाले डेंसिटी अधिक है तो भूकंपीय तरंग के ऊपर में कम होगा नीचे वाले में ज्यादा होगा पीका, तो इसके कारण इसको कहा जाता है जोन ऑफ लो वेलोसिटी। यानी जोन ऑफ लो वेलोसिटी जो कहा जाता है अपर मेंटल को, यानी ऊपरी मेंटल को क्या कहा जाता है जोन ऑफ लो वेलोसिटी, और वहां जो असमर्थता होती है वह रेप्टी असमर्थता होती है। चलिए और जो निचले वाली जो देखते हैं यानी जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नीचे जो होती है जिसकी डेंसिटी अधिक होती है यानी निचली मेंटल जो देखते हैं रेप्टी और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को यानी ऊपरी मेंटल को जो ऊपरी मेंटल है उसके ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल यानी एस्ट्रोनोस्फेयर कहा जाता है और यही से मैग्मा चेंबर जिसको कहते हैं
मैग्मा चेम्बर भी उसी को कहा जाता है, एस्ट्रोनोस्फेयर को, यानी अपर वाली जो देखते हैं मेंटल, तो वहां से ही ज्वालामुखी को लावा मिलती है, दुर्वलता मंडल जहां देखते हैं कि दुर्वलता मंडल के ऊपर ही सियाल तैरते रहती है, यानी सियाल का तैरने का काम कहां होती है, दुर्वलता मंडल पे, यानी लो वेलोसिटी जोन के ऊपर जो है सियाल तैरती है। यहां भूकंपीय तरंगे जो होती है, सिस्मिक वेव जो होता है, वह मंद उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब चलिए जिसको दुर्बलता मंडल की डेंसिटी बताई गई है, यानी जो देख रहे हैं सियाल की जो देख रहे हैं अपर जो तैर रही है उसकी डेंसिटी 3 बताई गई है, जबकि दुर्बलता मंडल के ऊपर यानी लो वेलोसिटी जोन के ऊपर जो दुर्बल तैर रही है तो लो वेलोसिटी जोन का जो डेंसिटी है वह 4.5 है। तो यह डिफरेंट डेंसिटी के कारण ही जो देख रहे हैं कि लो वेलोसिटी के ऊपर सियाल तैरती है, अगर डेंसिटी इक्वल होती तो ऐसी नहीं हो पाती, जिसको प्लेट टेक्टोनिक प्रमाणित भी करती है। चलिए अगले देखिए, कोर, कोर को देखते हैं तो कोर जो देख रहे हैं वह निचली मेंटल के आधार पर जो देखते हैं, यानी कि जो निचली मेंटल, यानी अब वहां अपर मेंटल था निचली मेंटल जो 2900 किलोमीटर की गहराई पे है, तो निचली मेंटल में जो होता है उससे नीचे जब जाती है, निचली मेंटल के आधार पर पी तरंगों की गति जो देखते हैं उसमें अचानक वृद्धि हो जाती है, उसमें क्या होता है अचानक वृद्धि होकर यह बढ़ जाती है 13.6, जहां देख रहे थे कि 8.1 थी वह भूकंपीय तरंग अब बढ़कर 13.6 हो जाती है प्रति सेकेंड। इससे यह पता चलता है कि मेंटल के अपेक्षा कोर की डेंसिटी जो है कि अधिक है, यह दर्शाती है। और कोर और मेंटल को अलग करने वाली, यानी जो 2900 किलोमीटर की गहराई पे जो डेप्थ पे जो देखते हैं जो ट्रांजिशनल जोन है यानी संक्रमण क्षेत्र है 2900, उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, यानी गुटेनबर्ग असमानता असंबद्धता। तो यह देखे गुटेनबर्ग जो 2900 किलोमीटर की गहराई पे है तो उसके नीचे जो कोर वाली पार्ट है उसमें भूकंपीय तरंग की गति में वृद्धि होती है, इसके आधार पे उन्होंने यह बताया कि उसकी डेंसिटी जो है मेंटल की अपेक्षा अधिक है। कोर को भी दो भाग में बांटा गया है, अपर कोर और लोअर कोर। जब 2900 से 5150 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं, यानी ऊपर से 5150 किलोमीटर की गहराई पे जब जाते हैं तो वहां जो असंबद्धता, वहां जो अपर और लोअर कोर को जो अलग करती है, दोनों की डेंसिटी में अंतर होती है, तो वहां जो अलग होती है वह उसको कहते हैं लेहमान असंबद्धता, यानी लेहमान डिसकंटिन्यूटी, यानी आंतरिक कोर जो सबसे देख रहे हैं 5150 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। तो यह जो होता है, यहां कहता है कोर के सबसे ऊपरी भाग का घनत्व, यानी अपर कोर जो देखते हैं उसकी डेंसिटी बताई जाती है कि 10, जबकि निचली कोर की डेंसिटी जो बताई जाती है अंदर वाली जो 12-13, और जो आंतरिक जो डेंसिटी वह औसत जो है कि 13.6 तक बताई गई है। तो इस प्रकार देखें कि यह जो मेंटल के अपेक्षा कोर की डेंसिटी जो है सीधा दुगुना है, यानी 2 गुना है। और यही कारण है, अब देखिए कि वहां क्या कहा था, वाहे अंतरतम जो है जहां एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती है, और जानते हैं कि एस तरंग जो होती है वह जो सिर्फ सॉलिड में, लिक्विड वाली जो क्षेत्र होती है उससे वह नहीं, उसका माध्यम नहीं होती है, जिसके कारण यह आकलन किया गया
कि अपर कोर जो है वह लिक्विड फॉर्म में है, जबकि निचली कोर जो है अर्ध यानी चिपचिपा प्लास्टिक जैसे जो देखते हैं उस टाइप की सेमी लिक्विड, जैसे गुंद को आप देखते हैं फेविक्यूब ये सब देखते हैं किस प्रकार के रहता है उसकी डेंस, तो ऐसी टाइप की है जो तरला है। तो यह देखिए आप, चलिए इसको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यह जो आपको पांच असंबद्धता जो बताई गई है, यह जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडीसी ऑफ जियोफिजिक्स के शोध विभाग के आधार पे जो यह पांच असमर्थता जो बताई गई है और सभी के डेंसिटी में जो अंतर बताई गई है वह चीज यहां देखिए। तो यह देख रहे हैं कि सबसे पहले देखिए कि यह जो 30 किलोमीटर की जो मोटाई पे देख रहे हैं 0 से 30, तो 30 किलोमीटर वाली जो देख रहे हैं जहां अपर क्रस्ट है और उससे नीचे लोअर क्रस्ट है, और वहां जो असमर्थता बनती है उसको कहा जाता है कोनराड असमर्थता, यानी कोनराड डिसकंटिन्यूटी। कोनराड डिसकंटिन्यूटी जो बनेगी वह 30 किलोमीटर की गहराई पे, यानी सरफेस से 30 किलोमीटर की गहराई पे, वहां उसकी डेंसिटी को बताई जाती है कि यह जो है कि 2.9 है, यानी कोनराड डिसकंटिन्यूटी पे जो देखते हैं सियाल की जो डेंसिटी होती है 2.9। अब दूसरी जो देखिए जहां अपर क्रस्ट और सॉरी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल जो कि 200 किलोमीटर की गहराई पर जो देख रहे हैं वहां एक असमर्थता बनती है जिसको कहा जाता है मोहरविक असमर्थता, यानी मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, जिसकी डेंसिटी जो है 3.3, यानी वहां जो देख रहे हैं वह डिसकंटिन्यूटी यानी वह उसकी डेंसिटी कितना है 3.3 है, जो 200 किलोमीटर की डेप्थ पे जो देखिएगा, यानी सरफेस से 200 किलोमीटर की डेप्थ में यानी गहराई में जब जाएंगे तो वहां जो डिसकंटिन्यूटी मिलेगी वह मोहरबिक डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। ठीक, तो देख लिए वहां का थिकनेस मतलब कि जो डेंसिटी भी पता चल गई। अब चलिए जब सरफेस से 700 किलोमीटर की डेप्थ यानी गहराई में जब जाते हैं तो वहां भी एक संक्रमण यानी ट्रांजिशनल जोन मिलती है जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच है, या असमर्थता जिसको कहा जाता है रेप्टी असमर्थता, जो 700 किलोमीटर की गहराई पे जो असमर्थता पाई जाती है वह रेप्टी असमर्थता है। तो रेप्टी असमर्थता जैसे देख रहे हैं 700 किलोमीटर की गहराई पे जो यहां जो देख रहे हैं तो यह रेप्टी असमर्थता है जिसकी डेंसिटी जो है रेप्टी असमर्थता के पास जो घनत्व होती है वह 4.3 होती है। अब हम चलते हैं कहां, यानी लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट जो सबसे महत्वपूर्ण असमर्थता है, बहुत सारी एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछी गई है, अपर लेवल यूपीएससी बीपीएससी नेट जेआरएफ ये सब देखते हैं यूडीसी एलडीसी या सभी जगह। तो यह 2900 किलोमीटर की गहराई पे जो देखते हैं वह असमर्थता जो है वह गुटेन वर्ग असमर्थता है जो लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट को अलग करती है, सॉरी लोअर मेंटल और अपर कोर को अलग करती है कोर को यानी कोर। तो देखिए कि यह जो होती है वहां जो डेंसिटी आपको मिलेगी वह 5.5 से 10.0 तक,
यानी वह जो देख रहे हैं 700 से लेके 2900 तक का जो देखे या 2200 किलोमीटर की जो थिकनेस वाली जो है, तो वहां जो डेंसिटी होती है वह 5.5 से लेके 10.0 तक की डेंसिटी पाई जाती है, और वह असमर्थता जो होती है वह गुटेनबर्ग असमर्थता कहलाती है। चलिए अगला जो देखिए, अगला जब हम चलते हैं 5150 किलोमीटर, यानी सरफेस से जब 5150 किलोमीटर पे जाते हैं तो वहां एक असमर्थता मिलती है, वह जो है अपर कोर और लोअर कोर के बीच का वह संक्रमण है, दोनों की डेंसिटी वहां पे अलग अलग। तो देखते हैं वहां जो डेंसिटी होती है वह आपको 12.3 से 13.3 तक होती है। जैसे इसकी थिकनेस आप ज्ञात कीजिए, गुटेनबर्ग से लेहमान डिसकंटिन्यूटी के बीच में जो थिकनेस है, तो यह मोटाई जो आपको मिलेगी वह मिलेगी 3250 किलोमीटर मोटी पर्थ है, सॉरी 2250 किलोमीटर, यानी 2250 किलोमीटर मोटी पर्थ है, जहां पे डेंसिटी 12.3 से 13.3 तक पाई जाती है, और वहां जो असमर्थता है उस असमर्थता को लेहमान असमर्थता यानी लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो यह देखे अब 5150 से जब नीचे की तरफ चलते हैं तो वह जाता है 6371 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी की रेडियस है। तो यह आपने देखा, तो यह जो है जीजी के द्वारा जो शोध के आधार पे जो आई थी, अगर यह 5 डिसकंटिन्यूटी को अगर आप अपने जेहन में बैठा लेते हैं मानसिक पटल पे, तो नेट जेआरएफ के एग्जाम में, यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा रहता है। या तो वह डेंसिटी से हो सकता है, असमर्थता से हो सकती है कि कौन सी असमर्थता यानी कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, या उसकी डेप्थ पे हो सकता है। तो देख रहे हैं कितनी गहराई पे, तो आप बारीकी से इसको ध्यान दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ अब अगले चलते हैं। देखिए कहा जाता है तुलनात्मक दृष्टि से जो देख रहे हैं कि पी तरंगे की गति जो होती है 11.23 किलोमीटर प्रति सेकेंड रहती है, जो देखते हैं यहां पे, और इससे यह क्या पता चलता है कि वहां जो देख रहे तापमान कोर में जो होती है कि तापमान तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन पिघली हुई अवस्था में रहने के साथ साथ वह दबाव अधिक होने के कारण यानी ताप के कारण जो है कि निचली कोर वह पिघल तो जाती है, लेकिन दबाव अधिक होने के कारण वह अर्ध तरल अवस्था में आ जाती है यानी प्लास्टिक। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगी कि यह प्लास्टिक टाइप की जो है लेयर, तो यह आप निचली कोर जो होती है यानी लोअर कोर। अब देखिए कहा जाता है पूरे पृथ्वी की जो मात्रा है, पूरे पृथ्वी पर मात्र 16% द्रव्यमान जो देख रहे हैं, जो पूरे पृथ्वी की जो द्रव्यमान होगी उसका मात्र 16% जो है कोर के पास है। आयतन आयतन 16% है और द्रव्यमान 32, सॉरी वहां देखिए पूरे कोर का जो आयतन होगा पृथ्वी का तो 16% होगी कोर का आयतन, जबकि द्रव्यमान का जो आयतन देखते हैं, द्रव्यमान जो देखते हैं तो पूरे पृथ्वी की जो द्रव्यमान होगी वह 32% जो है कोर में निहित है। कोर देखते हैं कि यह जो कोर का जो निर्माण हुआ है, जो देख रहे हैं कोर जो है वह आपको लोहा और नीफे से हुआ है यानी फेरस से हुआ है, जिसके कारण आए देख रहे हैं नीफे और फेरस, यहां देख रहे हैं इसका नाम है नीफे यानी निकेल और लोहा से हुआ है।
तो निकेल का एन आई और लोहा आयरन का एफ ई जब मिलाते हैं तो वह नीफे बनता है। इस कारण से इस परत का नाम, जो नीचे वाली जो लेयर देखते हैं उसको नीफे कहा गया है। अब चलिए एक चीज और देखिए, यहां पे जो भूपर पट्टी जो देखते हैं यानी अर्थ का जो तियाल, उसकी जो संरचना यानी सामान, उसमें कौन कौन सी तत्व पाई जाती है और उसका भार कितना है। तो भूपर पट्टी के निर्माण में सबसे अधिक योगदान ऑक्सीजन का है, जो 46.60। दूसरा जो है सिलिकॉन का है, जो सिलिकॉन को SI जो कि 27.72 है प्रतिशत। तीसरा एल्युमिनियम का है AL, जिसका देखते हैं केमिकल, तो यहां जो है 8.13 है। लोहा जिसको फेरस, तो इसको देखते हैं कि इसका जो है 5.0% है। कैल्शियम 3.63 है। सोडियम, सोडियम को Na जो कि आप देखिए कि 2.83% योगदान जो है पोटेशियम का है। मैग्नीशियम यानी Mg 2.09% योगदान है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।